अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MGT 502 का लेक्चर नंबर 17। यहाँ से हमारा पार्ट टू यानी कि ग्रुप का जो है वो पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ लिया था, 1 से लेकर 15 तक जो है वो इंडिविजुअल के बारे में था। ठीक है, इंडिविजुअल का क्या किरदार होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हमने स्टार्ट करना है पार्ट टू। अब पार्ट टू में हमारे पास आएगा ग्रुप के बारे में। ठीक है, कि ग्रुप मिलके आपस में क्या काम कर रहे होते हैं, कैसे किरदार अदा कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसका अब ओवरव्यू दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग अलोन, मेंबर्स आर यूजुअली क्लस्टर इनटू ग्रुप्स और टीम्स। ठीक है, इसमें जो आता है वो इंडिविजुअल का ही रोल नहीं होता। ठीक है, एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसमें ग्रुप्स और टीम्स का भी बहुत किरदार होता है। ठीक है, ग्रुप्स की डेफिनेशन दी गई है, ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ टू और मोर पीपल हु ट्राई टू अचीव सर्टेन गोल्स और मीट सर्टेन नीड्स। ठीक है, इसमें ग्रुप दो या दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल होती है जिनका जो होता है वो एक ही गोल होता है। ठीक है, मकसद जिनका एक ही होता है। ठीक, और दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डेट ऑल और मोस्ट ग्रुप मेंबर एग्री ऑन एज कॉमन गोल, कि इसमें ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक कॉमन गोल के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, मतलब एक कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए आपका ग्रुप बना दिया जाता है, तो वो ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे वो एग्री करेंगे कि हमने ये गोल अचीव करना है। ठीक है, उसमें कोई तजाद वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ नहीं होता। इसके अलावा ग्रुप में अगर आप काम करते हैं तो इस ग्रुप में काम करने का फ़ायदा होता है कि आप सब एक ही गोल को, एक ही टास्क को सब मिलके हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप यही काम इंडिविजुअल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, आप हाई स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपके पास मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये तो ये चीज़ आ जाती है। लेकिन ग्रुप के अंदर आप एक दूसरे को देख कर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आप अगर कोई पीछे रह गया तो आप उसको भी लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, उसको भी आगे लेके जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ इसमें आती रहे। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये ग्रुप्स है, ग्रुप एक ग्रुप की शक्ल है। ठीक है, इसमें एक सबसे आगे है जो लीड कर रहा है अपने ग्रुप को कह सकते हैं। ठीक है, जो काम कर रहा है, फिर उसके पीछे आ जाते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद जो अपने साथ लोगों को लेके चल रहे होते हैं काम के दौरान। ठीक है, परसेप्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आपकी परसेप्शन होगी वैसा आप काम करेंगे। ठीक है, ये बात हम स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं। और इसके अलावा आप जैसा ग्रुप को डिज़ाइन करेंगे, अच्छा डिज़ाइन करेंगे तो जाहिर है वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, जैसे आपकी सिलेक्शन होगी लोगों की वैसा ही काम होगा। क्या है आपकी वैल्यूज़, क्या है आपका स्टेटस, क्या है। ठीक है, आपको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए सबसे पहले, राइट एंड रॉन्ग का जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, आपकी और आपके गोल के लिए क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है, ये चीज़ का पता होना चाहिए। तो और इसके अलावा आपकी वैल्यूज़, आपके नॉर्म्स कैसे हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि अगर आप ये काम कर रहे हैं अगर आप, तो इसका आउटपुट क्या आपको मिलेगा, और अगर आप कोई प्रॉब्लम है कोई उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको अगर आप अल्टरनेट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका आउटपुट हमें कैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सारा बातें जो हैं वो मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताई हैं अभी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है दिस द फॉलोइंग पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, जो आप रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं। टू एट्रीब्यूट सेपरेट वर्कर्स फॉर्म रैंडम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रैंडमली कलेक्शन होती है आपकी, लोगों की कलेक्शन होती है एक, ठीक है, ग्रुप के अंदर, फिर लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को परसीव करते हैं, एक दूसरे को तो समझते हैं। ठीक है, म्यूचुअल गोल होता है उनका एक। ठीक है, वो और उसको अचीव करने के लिए फिर वो अपनी जो एफर्ट वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप्स जो होते हैं वो फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकते हैं, इसमें जो है वो आगे सारा उसमें डिफाइन किया गया है कि फॉर्मल क्या होता है इनफॉर्मल क्या होता है। और इसके अलावा टास्क फोर्सेज होती हैं, ग्रुप से डिवेल्प एंड चेंज ओवर टाइम। ठीक है, ग्रुप डिवेल्प भी कर रहा होता है और चेंज भी हो रहे होते हैं लोग आप। ठीक है, जिनकी आपस में नहीं बन रही होती मैनेजर कभी उनको निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग को एक्सेप्टिंग करते हैं, वो खुद ही कह देते हैं कि नहीं मैंने इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना।
तो ये चीज़ें इसमें होती रहती हैं, स्टेजेस आ जाते हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड अप्लाइंग इसमें, ठीक है। ये चीज़ें, ये आपकी स्टेजेस होती हैं जिस पे जिससे गुजर के एक ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये भी आगे डिफाइन, हर चीज़ आगे आपकी डिफाइन की गई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कोर इंपॉर्टेंट क्रेस्टर ग्रुप आर साइज, आपका कंपोजिशन, फंक्शंस एंड स्टेटस आपका जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो सारी आगे डिफाइन की गई हैं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब है ग्रुप्स डायनामिक्स, क्या होते हैं, टू और मोर इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर इन ऑर्डर टू अकम्पलिश अ कॉमन गोल। दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अ ग्रुप इज अ टू और मोर इंडिविजुअल एक्टेड एंड हु परसीव देमसेल्व्स बीइंग हियर कम टुगेदर टू, ये वही बात है कि लोग आपस में मिल रहे होते हैं, उनके आपस में सोच मिल रही होती है और उनके गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए वो अपनी एफर्ट कर रहे होते हैं। अ ग्रुप इज इफेक्टिव व्हेन इट इज सेटिस्फाइज थ्री क्राइटेरिया। अब वही इफेक्टिव ग्रुप होगा जो ये सेटिस्फाई होगा इस क्राइटेरिया के, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्शन आउटपुट है तो क्वालिटी और क्वांटिटी आपको जो है वो दी जाए, मतलब इनपुट के बदले आपको आउटपुट अच्छा दिया जाए। मेंबर सेटिस्फेक्शन और मेंबरशिप इन द ग्रुप, अगर आप शॉर्ट टाइम टाइम में वर्क कर रहे हैं, मतलब अपने शॉर्ट टाइम में अगर टास्क को अचीव कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी लॉन्ग टर्म देनी चाहिए, मतलब आपके प्रमोशन कर देनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे कि इस और कैपेसिटी फॉर कंटिन्यू कोऑपरेशन हो, यहाँ तो कम्प्लीट अ टास्क वुड मेंटेन या इनहेंस द ग्रुप्स एबिलिटी टू वर्क, ग्रुप्स नॉट कोऑपरेट कैन नॉट सर्वाइव। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। इसकी कैपेसिटी को आपने देखना होता है, ठीक है, टास्क की कैपेसिटी को मेंटेन करना होता है आपने। आगे आपका टीम आ जाती है कि टीम क्या चीज़ होती है। स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल होते विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू अ कॉमन मिशन गोल्स एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स म्यूचुअली अकाउंटेबल। अच्छा, टीम भी होती है, जो ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा लोगों का होता है, लेकिन टीम जो होती है वो कुछ लोगों की होती है। और इसमें जो होते हैं बेसिकली जो होती है वो आपकी आरजी होती है, ठीक है। इसमें आरजी लोग सिर्फ इकट्ठे होते हैं जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, गोल ख़त्म हो जाता है, तो वो जो है वो अलहदा अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ काम के लिए टीम को बनाया जाता है। और इसके अलावा जो गोल्स जो ग्रुप्स होते हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कि आप जो है ग्रुप हो या टीम हो तो उसमें आप मिल के काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जैसे दो या दो चार होते हैं, ठीक है, लेकिन आप जब सब आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं तो वो पाँच का काम कर रहे होते हैं आप, ठीक है। अगर आपके ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप के अंदर लोग अच्छे हैं, हाई स्किल्ड हैं, आपको आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, उनके परसेप्शन जो होते हैं वो अच्छे हैं, पॉजिटिव परसेप्शन हैं आप और आपस की परसेप्शन के मिलते जुलते हैं, तो फिर तो आपका ग्रुप जो होगा वो मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा। 2+2=5, फिर 5 की आपके जो है वो एफर्ट देगा, आपका आउटपुट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके ग्रुप हाई स्किल नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि टांग खींचने वाले हैं, नेगेटिव उनकी परसेप्शंस हैं, तो उस सूरत में फिर आपका क्या होगा कि आपका ग्रुप आगे बढ़ने की बजाय पीछे आ जाएगा। 2+2=3, मतलब आपकी 3 की पावर आ जाएगी, 4 की पावर भी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोगों के जब नेगेटिव परसेप्शंस बन जाते हैं तो वो जो है वो आगे बढ़ते हुए लोगों को नहीं देख सकते, तो वो उनको पीछे ही खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई गई है। आगे है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आ जाती हैं, हमारे पास फॉर्मल आ जाते हैं और इनफॉर्मल आ जाते हैं। फॉर्मल ग्रुप में हमारे पास आती हैं कमांड ग्रुप्स आते हैं, मतलब लोगों के साथ बातचीत करना, उनको उनकी सुनना और अपनी सुनाना, ठीक है, उनकी राय लेना, अगर कोई गोल है उसको हासिल करना है, या फिर अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है, कोई भी चीज़ है, तो वो एम्प्लॉयज़ की भी राय लाजमी लेते हैं, ठीक है। मैनेजर और मैनेजर जो है वो सुनते हैं दूसरों की और अपनी तो उन्होंने सुनानी होती है। टास्क ग्रुप्स होते हैं कि आपका टास्क के लिए ग्रुप बनाए होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप इनफॉर्मल होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं कि ग्रुप में कितने लोग ऐसे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप ग्रुप्स आ जाते हैं कि आप दूसरों के साथ फ्रेंडली माहौल में रहें, ठीक है, और अपनी परसेप्शन को पॉजिटिव रखें ना कि नेगेटिव रखें। कमांड ग्रुप में होता है कि आप देखो दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, कमांड कर रहे होते हैं, ठीक है, इससे आपका रिलेशनशिप जो होता है वो और अच्छा हो जाता है, ठीक है।
इसमें आपको ये दो बॉक्स में दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। अब फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द डिमांड्स एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर गेट डिजाइनेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मींस टू एंड एंड तक। फॉर्मल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्ट से एंड तक होता है, ठीक है, एंड तक ग्रुप होता है। और इनफॉर्मल में हमारे पास जो होता है वो सिर्फ मसनूई तौर पे आप कह सकते हैं कि लोग आपस में मिल रहे होते हैं सिर्फ काम के लिए, ठीक है, ऑन से सिर्फ अपने मकसद के लिए आप लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कमांड ग्रुप आ जाता है, लोगों से मतलब आप बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि आपने एंड टू एंड तक रहना होता है लोगों अपने ग्रुप के साथ, ठीक है। उसमें आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, अपने राय पेश कर रहे होते हैं, दूसरों की राय ले रहे होते हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। और इनफॉर्मल में इंटरेस्ट आ जाता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, टुगेदर टू अचीव, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है, आपकी कॉम्प्रोमाइज़ देखा जाता है, कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, और कैसे आप मिलकर मतलब काम कर रहे होते हैं। इसमें फॉर्मल में आ जाते हैं कि टास्क ग्रुप आपके टास्क होते हैं, एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर टू कम्प्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, या प्रोजेक्ट आपने टास्क कम्प्लीट करना होता है, अपने प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपने फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इसमें फ्रेंडशिप वर्कर्स हु शेयर समथिंग इन कॉमन, ठीक है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, कुछ आपस में शेयर चीज़ें करनी होती हैं, एक फ्रेंडशिप के लिहाज से होना होता है सारा कुछ। फॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो दोज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिज़ाइन वर्क एस्टैब्लिश टास्क, ठीक है, जो टास्क को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाए जाते हैं। और इनफॉर्मल जो होता है डेट आर नेदर फॉर्मली स्ट्रक्चर नॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिटरमाइंड, यानी कि फॉर्मली स्ट्रक्चर्स नहीं होते, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को कोई टास्क अगर है तो मसनूई तौर पर सिर्फ आर्जी तौर पर जो है वो बना लिए जाते हैं, लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, टीम बना लेते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, मतलब टीम ख़त्म हो जाती है। द बिहेवियर डेट वन शुड एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेजेस आ जाती हैं ग्रुप डेवलपमेंट, सबसे पहले फॉर्मिंग आ जाती है, उसके बाद स्ट्रॉमिंग आती है, नॉमिंग आती है, परफॉर्मिंग एंड जर्नी। अब जब हम सबसे पहले जब ग्रुप बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मिंग का काम कर रहे होते हैं। फॉर्मिंग के क्या होते हैं कि आपने जो है वो लोगों को चुनाव करना होता है इसमें फॉर्मिंग में, ठीक है, लोगों का आपने उसको परसेप्शन उनके परसेप्शंस को अच्छे से जो जज करना होता है, उनको देखना होता है कि कैसे लोग हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना होता है आपने, ठीक है, उनकी स्किल देखनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे के बारे में जानना होता है, डिस्कवर करना होता है, और इसके मतलब लोगों को ढूंढना होता है, ठीक है। और इसमें ग्रुप्स डिफाइनिंग ग्रुप रूल्स जब आप ढूंढ लेते हैं तो उसको उनको मतलब रूल्स का बताना होता है पहले, सबसे पहले कि ये रूल्स हैं तो कौन जो भी आना चाहे उस रूल्स के अंडर, तो ये चीज़ आ जाती है। फिर आ जाती है स्ट्रॉमिंग आ जाती है, वन ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इसमें तजाद आ जाता है, जब आपका ग्रुप बन जाता है आप उनको सारा कुछ बता देते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट हैं, ये हमारे रूल्स हैं, इसको पूरा करना है आपका, और ये हमारे टास्क हैं, तो आप सब कुछ उनको जब बता देते हैं फिर आपका एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आप के हेड कौन बनेगा ग्रुप का, ठीक है। बट देयर इज रेजिस्टेंट, इसमें आपका कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि कौन ग्रुप को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और किसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, किसी कम सुनी जाएगी, ठीक है, मतलब कौन लीडिंग का काम करेगा, ठीक है, और तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, फिर कन्फ्लिक्ट आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और उसके बाद आप नॉर्मिंग की तरफ आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, वन इन विच ग्लूकोज रिलेशनशिप डिवेलपमेंट नोमोस्ट, जब आप एक कन्फ्लिक्ट की तादाद से निकल कर फिर आप जब आते हैं कि सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर आप एक रिलेशनशिप में आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब क्या आप कहते हैं कि नहीं हमें तो अब काम करना है, तो इसके लिहाज से हमें अच्छे एक दूसरे से ताल्लुकात रखने चाहिए, ठीक है, तो उसकी तरफ फिर आप आना स्टार्ट हो जाते हैं, देश से बातचीत करना स्टार्ट कर लेते हैं कन्फ्लिक्ट के बाद, ठीक है, मतलब आपकी सुलह हो जाती है और आप अच्छे से एज अ सोल्जर जो होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप अपने ग्रुप को जो है वो अच्छे से होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप जो होते हैं कोई भी नेगेटिविटी आ रही है ग्रुप के अंदर या कुछ भी आ रहा है तो उसको आप ओवरकम कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें अपनी अकल से काम कर रहे होते हैं, तो मतलब आप जब एक कॉन्फ्लिक्ट से निकल आते हैं तो फिर आप ये सारा अच्छी चीज़ों की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी पॉजिटिव परसेप्शन हो जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
कोऑर्डिनेट आपकी बन जाती है, आपके ग्रुप के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो आप ये सारे नॉर्मिंग में होती है, उसमें परफॉर्मिंग में आती है कि आप फिर अपनी जो है टास्क होता है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपनी एफर्ट लगाते हैं फुली, और उसके बाद आप अपनी एनर्जी लगा के उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पता होता है कि हमने अब हर लिहाज से एक साथ काम करना है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं, अपने लिए भी कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर। फिर एडजॉइनिंग होता है, इसमें जो होता है वो आपने जब अपना टास्क वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया है आपको, तो फिर आपका जो है वो अलहदा होना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स के लोग अलहदा होना स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। वाई टू वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर एबल टू डिसबैंड व्हेन इट्स वर्क इज़ फिनिश, ठीक है, डिसबैंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा फिर आप मतलब अगले फ्यूचर के लिए फिर आप एक दूसरे को कहते हैं कि अगर हम फ्यूचर में अगर कोई ऐसा गोल मिला, अगर टास्क मिला, तो हम सब मिलकर काम करेंगे, मतलब आपका रिलेशन इतना अच्छा फ्रेंडशिप का बन जाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, लोगों के रवैये से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप नाम से ही जज कर सकते हैं इसको कि पहले फॉर्मिंग आता है, लोगों को ढूंढना होता है कैसे लोग आएंगे, ठीक है, ग्रुप के अंदर, तो जब आप उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं लोगों की, फिर स्ट्रॉमिंग आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि इसमें कौन लीड करेगा, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा ग्रुप को, किसकी बात हम मानेंगे, तो ये आ जाता है। फिर नॉमिंग आ जाती है, नॉमिंग में आपके पास होता है कि आप जब कॉन्फ्लिक्ट से निकल आते हैं तो आप अच्छा से रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप को होल्ड कर लेते हैं और एक दूसरे के जो परसेप्शन है उनको आप पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के हालात को, और एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना आप सीख जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो परफॉर्मिंग, फिर आप टास्क को परफॉर्म करते हैं, जब आप टास्क को परफॉर्म करते हैं अच्छे से आउटकम मिलते हैं आपको, फिर उसके बाद आपका एडजॉइनिंग आ जाता है, उसमें आप जो है जब आप टास्क को पूरा कर लेते हैं सब हो जाता है, तो आप जो है वो डिसबैंड हो जाते हैं, ठीक है, सब अलहदा अलहदा हो जाते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए फिर आप कहते हैं कि हम जो अगर आइंदा ऐसा हुआ गोल या टास्क वगैरह तो फिर हम आपस में मिलकर काम करेंगे, मतलब ये सारा आपको नाम से जाहिर है। अगर स्टेट सी एनर्जी वही मैंने आपको बताया, जब आप ग्रुप होता है उसके अच्छे लोग होते हैं, परसेप्शन आपकी मिल जाती है, आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, सारे लोग जो होते हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी जो है वो 2+2=4 होने की बजाय आपकी 5 की एनर्जी आ जाती है, ठीक है, मतलब आप और ज़्यादा अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसेस लॉस में आता है कि जब आप डिफरेंस होता है लोगों के अंदर, ग्रुप के अंदर आप मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं दूसरों पर छोड़ रहा था कि ये कर रहा है तो बस ठीक है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो इसमें फिर आपकी सीनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, 2+2=4 होने की बजाय भी 3 हो जाती है। एग्जाम्पल सीनर्जी 90 ये कि आप दूसरों के एक तो मोटिवेटेड हो रहे होते हैं दूसरे, ठीक है, और उनके रूटीन टास्क से जो होते हैं वो स्पीड अप हो रहे होते हैं, रूटीन वर्क उनका स्पीड अप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सारे मिलके अपना किरदार अदा कर रहे थे, मिलके काम कर रहे थे इसलिए। लेकिन प्रोसेस लॉस में जो होता है वो लोग जो होते हैं वो अपना ग्रुप के अंदर किरदार अदा नहीं कर रहे होते, अगर दो लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो दो वैसे भारी बैठेंगे ये कर तो रहे हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो ये कर रहे हैं तो काम हो जाएगा, तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। सोशल लॉफिंग में आ जाती हैं हमारे पास, नहीं सॉरी प्रोसेस ऑफ लॉसेस में क्या आ जाता है, प्रोडक्शन ब्लॉकिंग आ जाती है कि आप एक दूसरे को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, कि आप जो है वो बातचीत नहीं करते एक दूसरे से अच्छे से, और ना ही टास्क के मुताबिक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है इसमें। और इसके अलावा आप ग्रुप मेंटेन होता है, मेंटेनेंस में आ जाता है कि रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप तो आपकी बन गई है, लेकिन काम दूसरे लोग जो है वो अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है, आपके साथ वाले एफर्ट नहीं कर रहे वो ज़्यादा, तो उसमें आपका लॉस हो जाता है। फिर सोशल लॉफिंग और फ्री राइडिंग आ जाता है कि आपने दूसरा एक का काम जो होता है आप दूसरों पे छोड़ देते हैं कि ये भी कर दो, ठीक है, या अगर कोई कर रहा है एक बंदा कर रहा है तो दूसरा फारिग बैठा है कि ये कर रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप इनइक्वालिटी का मुजाहिरा करते हैं उसमें, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। आगे आ जाता है सोशल लॉफिंग, सॉरी जब आप अपना किरदार अदा नहीं करेंगे अच्छे से, एफर्ट नहीं करेंगे, तो आपका सोशल लॉफिंग का भी मसला बन जाता है। सोशल लॉफिंग बिकॉज वर्कर्स फील दैट हाई लेवल परफॉर्मेंस गोज अन रिवार्डेड
हाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें कौन सा कुछ मिल जाना है या फिर कोई रिवार्ड मिल जाना है या बोनस मिल जाना है, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, बस सर से उतारते हैं। ठीक, प्रोसेस का सामना उनको होता है, और इसके अलावा उनको ये आउटकम्स अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो जाती है इसके नतीजे में। ठीक है, आगे है वेज टू रिड्यूस सोशल लाफिंग, के कौन सी वेज होती हैं जिससे सोशल लाफिंग को हम लाफिंग को कम कर सकते हैं। मैं जिसके रिड्यूस है सोशल लाफिंग बाय मेकिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू अ ग्रुप आइडेंटिफाई। जाहिर है, जब आप इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूट करेंगे और हर बंदा अपना काम करेगा, ठीक है, तो उसमें आपके सोशल लाफिंग कम होगी और इससे आपका आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, और आप मिलकर जो है 2+2=5 का काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें जो है वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, वो लाजमी आपने करनी है। ये सी एनर्जी 90, ये लाजमी आपने सी एनर्जी, ठीक है, और प्रोसेस लॉसेस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यह चैप्टर जो है हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी जो ग्रुप्स या टीम डेवलपमेंट, ठीक है, इसका भी आपने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लाजमी आ रहा होता है क्वेश्चन, तो ये भी आपने लाजमी करना है तैयार। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ नाम से आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कौन कौन से स्टेप हैं और कैसे कैसे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ मतलब ये सारा ही चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लाजमी तैयार करना है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट का भी फायदा हो सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।